पहले हमने देखा था कॉपी और पेस्ट का और फॉर्मेट प्रिंटर का फंक्शन, अभी हम देखेंगे पेस्ट स्पेशल का। ये मैं कुछ हाइड कर दिए ताकि हमारे पास एरिया ज़्यादा अवेलेबल हो। यहाँ से मैंने कॉपी किया है कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट में नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। उनमें से पहला ऑप्शन है फार्मूलाज का। जब मैं यहाँ पे ये पेस्ट करूँगा तो उसमें से जो फार्मूला या वैल्यू होगी सिर्फ वही कॉपी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक फार्मूला भी लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने फार्मूला इसमें एक ऐड किया, जब यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल करूँगा तो आप देखें फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई, सिर्फ वैल्यूज़ जो यहाँ फार्मूला बार में शो हो रही थी, इवन फार्मूलाज भी और वैल्यूज़ भी जो यहाँ पे शो हो रही थी सिर्फ वही कॉपी हुई हैं, उसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई। फिर दूसरी है, ये मैंने कॉपी किया, इसमें मेरे पास फार्मूलाज और नंबर फॉर्मेटिंग शो हुई है, कॉपी हुई है। मैं आपको कंट्रोल जी करके कहीं और पेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस शो हो। ये देखें, अब यहाँ पे यूनिट कॉस्ट के फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग थी और टोटल की अकाउंटिंग फॉर्मेट था। यहाँ पे यूनिट कॉस्ट का भी जनरल है, टोटल का भी जनरल है, सब का जनरल है। और ये मैंने, ये देखें वैल्यूज़ और फंक्शंस, ये फॉर्मेटिंग सारी सेम है। ये देखें फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पेस्ट स्पेशल में जाके हम कस्टमाइज़ अपने पेस्टिंग कर सकते हैं, हमें जो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके अब ये देखें इसमें सिर्फ फार्मूलाज कॉपी होंगे, यहाँ पे फार्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग दोनों कॉपी होगी। इसमें सोर्स डाटा की जो फॉर्मेटिंग थी वो कॉपी हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें बॉर्डर्स कॉपी नहीं होंगे, बॉर्डर्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, सिर्फ बाकी वैल्यूज़ वगैरह सारी ट्रांसफ़र होंगी। यह है कि जो कॉलम की विड्थ सोर्स डाटा में थी जहाँ से कॉपी कर रहे हैं, वही कॉलम विड्थ अगले पेस्टिंग वाली लोकेशन पे कॉपी हो जाएगी। आपको कस्टम सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कॉलम विड्थ के लिए। और ट्रांसपोज में होता है कि रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाटा की फॉर्मेटिंग की थी, ये मुझे बाद में याद आया कि मैंने यहाँ पे रोज़ में रखना था और ये सारा डाटा कॉलम्स में रखना था, तो ट्रांसपोज कर सकते हैं सारा डाटा सिलेक्ट करके। फिर ये है कि इसमें सिर्फ वैल्यूज़ कॉपी होंगे, फार्मूलाज नहीं आएंगे। इसमें वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, फार्मूलाज कॉपी नहीं होंगे। और इसमें सोर्स फॉर्मेटिंग और वैल्यूज़ कॉपी होंगी, नंबर फॉर्मेटिंग और फार्मूलाज कॉपी नहीं होंगे। इसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, डेटा नहीं कॉपी होगा। इसमें अगर कोई डेटा में लिंक है तो वो सिर्फ लिंक्स कॉपी हो जाएंगे, डेटा मतलब लिंक रहेगा ओरिजिनल के साथ। यहाँ पे कोई चेंज होती है तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया, ये देखें ये ओरिजिनल के साथ लिंक रहेगा। ओरिजिनल में चेंज होगी तो कॉपी वाले डाटा में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये है कि कॉपी एज पिक्चर, ये पिक्चर फॉर्मेट में कॉपी होगा, जिसे एज एन ऑब्जेक्ट आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और इसी में एक ऑप्शन आगे है लिंक्ड पिक्चर का, ये कॉपी हो गया लेकिन ये वाली पिक्चर लिंक है ओरिजिनल डाटा के साथ। अब देखें यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो ये फ़ोटो में यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन इस वाले में चेंज नहीं हो रहा। तो ये कुछ ऑप्शन हैं कॉपी पेस्ट की। अपने कोई सा डाटा लें और इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको
इस पे अच्छी तरह ग्रिप पा सके।